मैं बनाने जा रही हूँ आज कलरफुल रंग बिरंगी गुजिया। बहुत आसानी से बन जाती हैं होली के रंगों में। देखिए रंगी हुई कलरफुल कितनी अच्छी लग रही है। चलिए बनाते हैं होली के लिए स्पेशल रंग बिरंगी गुजिया। सबसे पहले हम लेंगे मैदा। 1 कप हम मैदा लेंगे। देसी घी, देसी घी का इसमें हम मोयन देंगे। हम इसको चम्मच से डालेंगे देसी घी इसमें। हमने 5 चम्मच डाला है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे घी को। देखिए इस तरह से हो जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे बाइंड होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे हम पानी। हम पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसको हमें टाइट सा डो तैयार करना है इसका। देखिए डो तैयार हो गया अच्छे से। देखिए हमने उसी प्रकार से 3 जगह और डो तैयार कर लिया है। एक हमने कलर डाल दिया येलो कलर, एक में हमने केसरिया कलर डाला है और एक में हमने डाला है ग्रीन कलर। 3 कलर का हमने डो उसी प्रकार से तैयार कर लिया जिस प्रकार से हमने प्लेन डो तैयार करा था। अब हम लेंगे खोया, जिसको मावा भी बोलते हैं। हमने भुना हुआ लिया है, बिल्कुल हमने भून लिया है खोए को। अगर भुना हुआ नहीं हो तो इसको आप ज़रूर भून लीजिएगा एक बार। हमने घर पे बनाया है इसलिए बिल्कुल भून लिया है खोए को हमने। अब इसको हम बिल्कुल मैश कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें हम ड्राई फ्रूट। हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट काट लिए हैं। आपको जो पसंद हो वो आप डाल सकते हो, नहीं खाने हो तो आप मत डालिए। 1 चम्मच हमने लिया है गरी का बुरादा। हम लेंगे 80 ग्राम तगाल लिए हमने। आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं या बूरा ले सकते हैं। आप मीठा अपने स्वाद के अनुसार कीजिएगा, आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं मीठा। सबको हम मिलाएंगे अच्छे से। हम थोड़ा सा मैदा घोल तैयार कर लेंगे। हमने 1 चम्मच मैदा लिए, इसमें डाल देंगे हम पानी और इसको मिलाएंगे। घोल तैयार है। हमने एक लोई ले ली है प्लेन वाले की, वाइट वाले की। इसको हम बेलेंगे। हमने बेल लिया है, अब इसको हम गोल काटेंगे। हमने सांचा लिया है, आप कोई कटोरा या कटोरी या डिब्बे का ढक्कन ले सकते हैं, किसी भी काट लीजिए। गोल काटना है इसको हमें इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें ऐसे मोड़ना है इस तरह से, ऐसे। ऐसे मोड़ लिया इसको हमने। अब इसको हम पलट देंगे ऐसे। हमने मावा का इस तरह से लड्डू बना लिए छोटे छोटे। इसको रखेंगे बीच में हम और इसको हम ऐसे करके ऐसे फोल्ड करेंगे। इसको मैदे के घोल से चिपकाते जाएंगे साथ ही साथ। इस तरह से हम इसको भी चिपका देंगे, इसमें घोल लगा देंगे। अब इसको हम पलटेंगे। अब हम ऑरेंज की लेंगे लोई छोटी सी, इसको हम ऐसे लंबा करेंगे। अब इसको हम काट लेंगे चाकू से।
हम थोड़ा सा घोल लेंगे और ऐसे करके ऐसे लगाएंगे जहां पर। और इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, पतला सा। इसको ऐसे करके ऐसे हम ऐसे चिपका देंगे अच्छी तरह से। अब हम एक फोर्क लेंगे और इसको ऐसे करके ऐसे हम दबा देंगे। इस तरह से दबा देंगे। अब हमने येलो की छोटी सी लोई ली है, इसको हम ऐसे गोल करेंगे, इस तरह से रोल करेंगे लंबी लंबी। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको इस तरह से इतना लंबा कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मैदा बीच बीच में हम लगा देंगे इसको। हम ऐसे फोल्ड करेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे। ऐसे हम गोल करते जाएंगे घुमा घुमा करके। हम इसमें इस प्रकार से मैदा गोल जरूर लगा देंगे ताकि चिपकता जाए। इस तरह से हमने बना लिए। अब हम इसमें घोल लगाएंगे जहाँ पर अच्छी तरह से, और इसको ऐसे हम बीच में रख देंगे। अच्छी तरह से हमें चिपकाना है इसको। एक छोटी सी ग्रीन की लोई लेंगे, बिल्कुल छोटी सी, इसकी ऐसे हम गोली करेंगे इस प्रकार से। इस पर हम ऐसे घोल लगाएंगे, इसको रख करके चिपका देंगे अच्छी तरह से। देखिए कितनी सुंदर डिजाइन बनी है, देखिए कितनी खूबसूरत गुजिया है। हम इसी प्रकार से बना लेंगे। देखिए सभी गुजिया तैयार कर लिए हमने, रंग बिरंगी गुजिया होली के लिए। देखिए अब इसको हम फ्राई करेंगे। हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, गरम हो गया तेल, डाल देंगे हम गुजिया। अब इसको हम सिकने देंगे धीमी पे या मीडियम पे। ये अच्छी तरह सीख चुके हैं, देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनको निकाल लेंगे। देखिए तैयार है मेरी डिजाइनर रंग बिरंगी होली स्पेशल
गुजिया, या इसको आप स्वीट बोल सकते हैं, मिठाई बोल सकते हैं, या गुजिया बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं उसको आप। कलरफुल देखिए, होली के लिए आप बनाइए उसको, और आपको कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा।